ये रहा रास्ता, नीचे पानी नजर आ रहा है। हाय वेलकम टू अनदर व्लॉग जिसमें हम आज कवर कर रहे हैं नाको नाको झील। या ये बेसिकली आइस हॉकी के लिए यूज होता है ये वाला जो लेक है, क्योंकि ये सर्दी में जम जाता है। ये एक बहुत रेयर चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आई गेस पहले यूट्यूब पे नहीं शो की गई होगी। तो अभी हम जा रहे हैं नाको, जो विलेज है का नाम है, इसका नाम नाको है। और इसके लिए स्पेशली मैंने डिसाइड किया था कि एक सेपरेट ही व्लॉग बनाऊंगा। तो कोई भी क्वेरी हो मैं फिर बोल रहा हूँ, आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं सारी चीज़ें, नो प्रॉब्लम। पेज झिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं सो दैट हम आपके पास विद इन 24 आवर रीच कर सकें। हम हैं नाको विलेज में और यहाँ से अब हम जाएंगे नाको लेक की तरफ। हाइट होने की वजह से ऑक्सीजन थोड़ा सा कम रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे आए विलेज में घूमने के लिए शूज़, ट्रैकिंग शूज़ लें, स्पेशली बता रहा हूँ, वो इजी रहेगा क्योंकि वो स्लिप नहीं करते। पानी अगर जमा हुआ भी है तो आप इजीली मूव कर पाएंगे। और ये देखिए कितनी तंग गलियों से निकलते जा रहे हैं, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ये देखिए छोटी छोटी गलियाँ, बहुत हाइट पे है बना हुआ, बहुत एल्टीट्यूड है इसका, थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ रहा है, हमें जाना है उधर लेक की तरफ। अच्छा तो मैं एक चीज़, लोग ना हेलो बोलते हैं झूले, मैं आपको भी बोलता हूँ झूले मेरे ब्लॉग्स को पसंद करें। ये घर देखें लकड़ी के बने हुए पूरे, ये देखो घर देखे हैं यहाँ के। आई गेस आपको मैं एक्सपीरियंस दे पा रहा हूँ अच्छा, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ये देखिए अपने दिल से मूवी देखिए, आई गेस शाहरुख खान और मनीषा कोइराला ने यहीं पे शूटिंग की होगी। आई गेस हम नजदीक हैं कहीं पे। ये देखें चारों तरफ, हाँ देखो लाइट देखो उस पहाड़ पे पूरी चमक रही, शाइनिंग एकदम। वाह अब हम पहुंच गए हैं देखो ये झील की तरफ। चलें इस पे, चलते हैं, चलें नहीं वो बच्चे चल रहे हो देखो, चलो। तो गाइस ये है जहाँ पे आइस स्केटिंग होती है और ये अभी भी जमी हुई है लेक, ये देखिए ध्यान से। तो ये है वो लेक जो जमी हुई है, अभी चलो हम चलते हैं पानी में, नीचे पानी नजर आ रहा है। तो हम हैं हम लेक के ऊपर, ये देखिए ये देखो पानी, हम लेक के ऊपर चल रहे हैं, जमी हुई लेक के ऊपर। माय गॉड इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। देखो ये देखो फ्रेंड्स आपके लिए ये झील। तो कोई भी यहाँ आना चाहता है
यहाँ से कहाँ तक जमा हुआ है? तो कोई आना चाहता है तो जरूर आए यहाँ पर, कंसल्ट करें मुझसे। और ये आवाज देखो कैसी आ रही है, ये देखो आवाज कैसी आएगी, देखो पत्थर फेंक रहे बच्चे, ये देखो, ये देखो, ये इको हो रही है। सोच सकते हैं यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा। और तो वेलकम टू नाको लेक। लेट्स सीक बिंदु मामा से लेते हैं कुछ फीडबैक यहाँ के बारे में। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अमेजिंग। क्या एक्सपीरियंस है आपको इस चीज को लेकर? बढ़िया बढ़िया। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे घूमने? ज्यादातर तो आपको लेक के साथ साथ यहाँ पे पुराने मड हाउस वगैरह भी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि न्यू जनरेशन आ रही तो लोग बदल रहे, बट मड हाउस वगैरह हो गया, पुराना कल्चर हो गया, वो आपको देखने को जरूर मिलेगा यहाँ। सो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करता हूँ, मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में। टिल द टाइम बाय।